पिछले दिनों से काफ़ी लोग पलायन करके गाँव से गैरसैंण में आए हैं और इन्होंने यहाँ पर स्थायी रूप से बसना भी प्रारंभ कर दिया है, लेकिन जिला पंचायत की निष्क्रियता के कारण जहाँ तहाँ अव्यवस्थित बिना हवा के घर बन रहे हैं। ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, ना गंदगी के लिए कोई सुविधा है और ना ही गंदे पानी की निकासी के लिए, और यहाँ तक कि मकान भी घने घने बने हुए हैं, इनको सुनियोजित ढंग से बनाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। उनका पानी आ रहा है, जिन लोगों की निकासी नहीं बनाई है उन लोगों का पानी ये रास्ते में आ रहा है, और आम आदमी को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बहुत ही तकलीफ होती है यहाँ पर से चलने के लिए। क्या आपकी अपनी गाड़ी है? हाँ जी, हमारी अपनी गाड़ी है। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पार्किंग ही तो यहाँ पे है ही नहीं गैरसैंण में कहीं पर भी। अब जो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, टैक्सी स्टैंडों पे खड़ी कर देते हैं, और उससे सभी लोगों को परेशानी होती है। अगर टैक्सी स्टैंड अलग बनाया जाए और पर्सनल गाड़ियों के लिए स्टैंड अलग बनाया जाए, इससे भी गैरसैंण का भी विकास होगा और आम जनता का भी विकास होने का उसमें संभावना रहेगी। गैरसैंण पर्यटन और तीर्थाटन का मुख्य पड़ाव होने के कारण राज्य की प्रमुख कस्बे के रूप में विकसित हो रहा है। अपार संभावनाओं के बावजूद भी यहां सही ढंग से विकास की योजना न होने से कस्बे का अनियोजित विकास हो रहा है और प्राकृतिक सौंदर्य को भी बर्बाद कर रहे हैं, जिससे पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। सबसे पहले गैरसैंण में जो ये नीच जाति के लोग होते हैं, जिनकी ये खुली लैट्रिनें हैं, बाथरूम हैं, जो लोग ये मतलब जिनका कुछ नहीं है, इन लोगों की मतलब जो सुविधाएं हैं वो करा दी जाए तो ठीक ही रहेगा। तब यहाँ पर जो है ये नगर पालिका नहीं है और ये ग्राम सभा में ही जो है लगभग ये कस्बे हैं। इसके लिए अभी कुछ समय पहले जो है प्रस्ताव शासन को 2-3 बार जो है प्रेषित किया जा चुका है, और इसीलिए ये सफाई व्यवस्था, मकान जो है उस नक्शे के अनुसार इस तरह से ये नहीं बने हैं, और नगर पालिका होनी बहुत आवश्यक है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि गैरसैंण में पर्यटन उद्योग बढ़ता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, और इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कस्बों और घरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से हो, ताकि यहाँ की सुंदरता बरकरार रहे। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जिला पंचायत कारगर रूप से कार्य करे। सभी वीडियो देखने वालों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि गैरसैंण की जिला पंचायत को इस पते पर श्रीमती अनीता शाह, जिला पंचायत गैरसैंण, पोस्ट ऑफिस गैरसैंण, जिला चमोली, उत्तराखंड, पिन कोड 246428 पर पत्र लिखकर उनको अपने कार्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने को कहें। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण, उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।